नमस्कार, मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं रैड नेटवर्क। और इस वक्त हम मौजूद हैं बाढ़ के रूपस में और यहां आप देख सकते हैं कि यहां पे लल्लू मुखिया जी जो बाढ़ विधानसभा क्षेत्र से आगामी विधानसभा के लिए ताल ठोक रहे हैं उनका प्रोग्राम है। और हम आपको बताएं कि रूपस राजपूतों के इस गांव में लल्लू मुखिया जी ने सेंध लगा दिया है। कहा जा रहा था कि उन्हें एक जाति विशेष का वोट मिलेगा, लेकिन अब बाजी उन्होंने पलट दी है। ये जो आप विशाल जुलूस देख रहे हैं ये रूपस में लल्लू मुखिया के स्वागत में निकाला गया है और रूपस गांव के लोगों ने निकाला है। कहा जाता है कि रूपस 14 कोस में फैला है और ये गांव राजपूत समुदाय का गढ़ माना जाता है। कहा जाता है कि यहीं से राजपूत जाति के लोगों में ये संदेश जारी किया जाता है कि आगामी विधानसभा चुनाव में किसे जिताना है। जाहिर है इस विशाल जनसभा को देखकर आप समझ गए होंगे कि किस तरह का समर्थन पूरे बाढ़ विधानसभा क्षेत्र में लल्लू मुखिया जी को मिल रहा है और जात पात से ऊपर उठकर लल्लू मुखिया जी को हर वर्ग हर समुदाय के लोग समर्थन दे रहे हैं। जिस तरह से रूपस गांव में आपका स्वागत किया गया, क्या कहेंगे, कितना अभिभूत हैं यहां की जनता को लेकर? जैसे देखिए, यहाँ के जनता नहीं है, ये सभी हमारे भाई हैं। कोई गार्जियन है, कोई चाचा है, इसलिए सभी लोग अपने बेटा को, अपने भाई को, अपना भतीजा को आशीर्वाद के रूप में आशीर्वाद दे रहे हैं और सभी लोग साथ। कहा जाता है कि रूपस 14 कोस में फैला है और यहाँ से जो संदेश जाता है वही फतह करता है, उसी की विजय हासिल होती है। आज क्या लग रहा है कि काउंटिंग से पहले आपने फतह हासिल कर ली है? जैसे जिस दिन से घूमना शुरू किए हैं, रोड शो किए हैं, उस समय से और जब इन्हीं के बीच मेरा जन्म भी हुआ, इन्हीं के बीच शिक्षा दीक्षा पाए, इन्हीं के बीच जवान हुए, इन्हीं के बीच इन्हीं लोग के आशीर्वाद से मुखिया भी बने और सभी बुजुर्ग, सभी गार्जियन, सभी भाई, सभी बहन, सभी माताएं, सभी लोग को है कि अपना बेटा, अपना भाई, अपना भतीजा को इस बार जिताकर विधानसभा भेजना है। और सभी लोग, सर्वो समाज के लोग अपना बेटा मान लिए हैं। सभी लोग का हम बेटा हैं, कोई तो दूर से आएगा, हम तो उनका घर का हैं, इसलिए सब लोग एकजुट हैं और किन्हीं को इस बार जमानत बचने नहीं जा रहा। जिस तरह से गाजे बाजे बैंड बाजे के साथ आपका स्वागत किया गया, हमने तमाम दलों के और जो भी मैदान में हैं सभी का कवर किया हूं मैं, लेकिन इस तरह का स्वागत हम नहीं देखे। तो कहीं ना कहीं ये जनता ने, बाढ़ की जनता ने, रूपस की जनता ने एक संदेश देने का काम किया है। देखिए, वो तो उन लोग को पूछिए कि स्वागत काहे नहीं करते हैं, लेकिन हमको, मेरा बाढ़ घर है, हम घर का बेटा हैं, घर का भाई हैं, घर का भतीजा हैं, इसलिए सभी जगह सभी लोग, सर्वो समाज के लोग इसी तरह से, आप कई एक जगह गाजा बाजा में भी एक दो बार आप पहले मिले हैं। जी 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 जी, हमको याद आ रहा है कि एक दो बार पहले आप मिले हैं, उस समय भी आप देखे कि इसी तरह से सब लोग उत्साहित थे। और आज भी आप देख रहे हैं तो जिनका स्वागत नहीं हो रहा है उनसे जाके पूछिए। हमको तो बेटा है यहाँ के, इसलिए सभी लोग, सभी गार्जियन, सभी बुजुर्ग, सभी नौजवान, सभी भाई मान लिए हैं, भतीजा मान लिए हैं, उनका हैं भी, इसलिए सभी लोग
सबको है कि इस बार कोई बाहरी मेरा नहीं आवे, इस बार अपना बेटा को जिताकर भेजें ताकि बाढ़ का भी सम्मान और सर ऊंचा रहे। सम्मान और सर ऊंचा रहे। हमारे साथ गांव के भी कुछ लोग हैं, ये बताइए कि इतना मुखिया जी का भव्य स्वागत करके आप बाढ़ की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? बाढ़ की जनता को संदेश ये देना चाहते हैं कि हमें बाहरी विधायक नहीं चाहिए, हमें घर का बेटा चाहिए, हमारा सेवक चाहिए जो हमारे साथ रात दिन रह रहे हैं, उनके हम साथ हैं और साथ रहेंगे, इसके लिए चाहे जो भी हो, हम डरने वाले में से नहीं हैं। जिस तरह से ज्ञानू जी आजकल जगह जगह बोर्ड लगवा रहे हैं, आज ही मैंने एक उमानाथ में, अभी उमानाथ से ही मैं आ रहा हूँ, उमानाथ में उन्होंने बोर्ड लगा दिया है, उद्घाटन और काम पूरा होने दोनों का बोर्ड लगा दिया है। तो क्या ज्ञानू जी जिस तरह से इस तरह के काम कर रहे हैं, क्या वो पहले ही डर चुके हैं? पहले ही वहाँ शिलान्यास करके और उद्घाटन करके नीतीश जी का पुल ढा गया गाड़ी चलने से पहले, तो हम क्या विश्वास करें कि आपका चलेगा कि नहीं चलेगा? तो हम लोग शिलान्यास नहीं चाहिए, हमको अपने विधानसभा का पुत्र चाहिए और हम लोग विधानसभा के पुत्र के साथ हैं और साथ रहेंगे। जात पात से कोई लेना देना नहीं है, हम क्षत्रिय समाज में जन्म जरूर लिए हैं लेकिन हम मानव हैं, समाज आपने बांटा है, हमने नहीं बांटा है, और मेरे साथ जो है मैं उनके साथ हूँ। हम आप बाढ़ की जनता को एक चीज़ बताना चाहते हैं जो बहुत ही अद्भुत चीज़ थी, आप लोग भी सुनिए। आज हम उमानाथ में उमानाथ पे स्टोरी कर रहे थे कि क्या यहाँ की व्यवस्था है, कैसे है। वहाँ के पंडित जी से मैंने पूछा कि पंडित जी ये बताइए कि उमानाथ किसको आशीर्वाद दे रहे हैं। पंडित जी ने छूटते ही लल्लू मुखिया जी का नाम लिया, ये मेरे लिए बहुत ही आश्चर्य की बात थी। आप बताइए, आप यूथ हैं, आप क्या सोचते हैं, क्या कहेंगे लल्लू मुखिया जी के बारे में? इस बार विजय है, कोई नहीं रोक रहा है। जी, क्योंकि हम लोग को सेवक चाहिए, नामदार नहीं, जात पात पर हम लोग इस बार नहीं जाएंगे, इस बार जो सेवक है हमला उन्हीं को वोट करेंगे, खुल के करेंगे। जिंदाबाद। रूपस की जनता जो है वो लल्लू मुखिया जी के सम्मान में लल्लू मुखिया जी के लिए नारे लगा रहे हैं। और ये देखिए, हम आपको दिखाते हैं, ये गाजा बाजा सब कुछ इन्हीं के लिए है। तो रूपस की जनता ने एक संदेश देने का काम किया है कि बाढ़ का विधायक बाढ़ का बेटा हो, ना कि कोई दूसरा कोई। ये संदेश साफ है और कहा जाता है कि रूपस ही वो गांव है जो ये संदेश देने का काम करता है बाढ़ विधानसभा क्षेत्र को। हमारे साथ कुछ गांव वाले हैं, आइए उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? श्याम बाबू। यहाँ आज मुखिया जी आए हुए हैं, तो मुखिया जी को किस तरह से आप लोग समर्थन दे रहे हैं? मुखिया जी के जिताएंगे, वोट देंगे, वोट दे रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं उनका। अच्छी व्यवहार है, अच्छी वातावरण है, अच्छी समाज, सबसे मिले जुले हुए हैं, सबसे संपर्क प्रेम सबसे रखते हैं, कोई यहाँ जात पात के उनकी कोई भावना है, कोई विचार नहीं है। ये बताइए कि कहा जाता है कि रूपस राजपूतों का गांव है और राजपूतों का कई उम्मीदवार हैं, ऐसे में कहा जाता है कि बेटी और वोट जात को बिहार में एक बहुत मशहूर कहावत है, तो ऐसे में मुखिया जी को आप लोग का कितना समर्थन हासिल है? मुखिया जी के बहुत समर्थन है, मुखिया जी लल्लू मुखिया के, इनकी व्यवहार, इनकी विचार से बहुत, इनकी सब बहुत अच्छा, मैंने इनका विचार है अच्छी, सब जात पात से हट के इनका सब कुछ मैंने विचार रहता है। जी का आशीर्वाद है लल्लू मुखिया जी को? बिल्कुल रहेगा, क्यों नहीं रहेगा, बाबा जी का आशीर्वाद नहीं मिलेगा ऐसे ऐसे सज्जन को तो किसको मिलेगा। जो यह जो दलदल है उसको पार कराने वाला है, तो पार कराने वाले को ही ना लैया पर बैठेंगे हम लोग। ये तो आज तक हमारे पास पहला मुखिया जो है, ये नाम तो मुखिया है लेकिन काम तो करेंगे हम लोग का सांसद वाला, विधायक वाला। तो ऐसे मुखिया जी आज पहली बार हमारे पास आए हैं। संतोष मुखिया जो हमारा है वो तो रोज आता है, लेकिन ये तो कभी आज पहला बार हमारे यहाँ एक विधायक जो करता है वो आए हैं।
ये बताइए कि बाढ़ की जनता को आप मुखिया जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? बाढ़ की जनता को मैं यह कहना चाहूँगा कि ऐसे विधायक को जिताबे, लल्लू मुखिया जैसे विधायक को, जो सभी जनता के काम में आवे और सभी का जो जिसको दुख है तकलीफ है और वही उसको ये देखें। और इनसे भी हमको प्रार्थना है, मुखिया जी, लल्लू मुखिया जी से भी प्रार्थना है, विनय है कि यह भी इसी प्रकार जैसे आज आए हैं इसी प्रकार हमेशा हम लोग पर ध्यान रखें जी। अभी तो ये मुखिया जी हैं लेकिन आपने इनको विधायक पहले ही बना दिया, विधायक शब्द से विधायक बना दिया, इसलिए कि विधायक बनाने से नहीं होता है, क्रम से हो जाता है। तो इन्होंने, इनका क्रम ठीक है लेकिन अभी हमारे पास आए हैं, फिर मिलते रहेंगे तब जानूंगा। लेकिन पहला बार ये जो विधायक के जो हैं कैंडिडेट वो मेरे पास आए हैं और इनको मैं आशीर्वाद देता हूँ, इनकी संजनता से मैं प्रसन्न हूँ, इन्होंने आया है हमारे पास, स्वागत है इनकी। तो देखा है आपने, बाबा जी का आशीर्वाद भी लल्लू मुखिया जी को मिल गया रूपस में और बाबा जी ने इन्हें पहले ही विधायक घोषित कर दिया। तो लल्लू मुखिया जी इस तरह गली गली घूम करके जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। जैसा कि हम आपको बताए कि रूपस गांव में हैं और रूपस गांव की हर गली में वो जा रहे हैं जहां गांव के लोग उन्हें ले जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो बताया आपको, गाजे बाजे के साथ ही उन्हें गांव के हर घर दरवाजे पे ले जाया जा रहा है। तो रूपस गांव के बाद लल्लू मुखिया जी का काफिला किसी और गांव की ओर बढ़ चुका है और इस तरह वे गांव-गांव घूमकर सघन जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं और जनता भी उन्हें हाथों हाथ ले रही है। आपने देखा कि रूपस की जनता ने किस तरह उनका भव्य स्वागत किया। योगेश चक्रवर्ती, राज नेटवर्क, रूपस।